मेरे पास जितनी भी तीन बाइक्स हैं, चाहे वो प्राइडर हो, चाहे वो CD70 ड्रीम हो, चाहे वो बाइक VR हो, तीनों में सेम टेक्नोलॉजी का इंजन यूज हुआ है, वो है OHC टेक्नोलॉजी का इंजन, जो आपकी राइडिंग प्लेजर क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है। वो जो लोग CG125 लवर है ना, वो एक बार इस बाइक को लेकर अमेरिका जरूर जाए, तो आपको आपके बाइक को उठा के म्यूजियम में जरूर रखेंगे। तो जितनी आउटडेटेड मतलब हमारे यहाँ आवाम की सोच है, जितनी पुरानी जमाने की सोच है, जितनी पुराने मॉडल्स को यहाँ पे पसंद किया जाता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज मैं आप पहले तो माजरा चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ, कुछ मसरूफिया की। सो खैर, आज मैं जिस बाइक का आपके साथ एक रिव्यू या ओनर रिव्यू शेयर करने लगा, वो है यामाहा YBR125G। ये मेरा अपना बाइक है, तो इसमें कोई और मेरे साथ नहीं आने वाला रिव्यू के लिए, मैं खुद ही इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये जो बात करें ओनरशिप की, तो मैंने तकरीबन 5 साल से गाइस मेरे पास 2018 मॉडल है ये। सो तकरीबन 5 साल का तजर्बा हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे 5 साल से, तो मैंने पहले क्यों नहीं इसका रिव्यू शेयर किया? दरअसल गाइस, मेरे बड़े भाई के पास बाइक होती है, तो मतलब चलाते हम दोनों ही हैं, लेकिन कभी मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा होती है, कभी वो कहीं मतलब मसरूफ होते हैं, जिस वजह से वो ना टाइम नहीं बन पाता। गाइस, आज खैरियत से टाइम मिल गया है रिव्यूज़ का शूट करने का। सो मैं इसका ओवरऑल बैकग्राउंड रिव्यू नहीं दूंगा, वो सारे तकरीबन 7-8 साल से मार्केट में ये बाइक आ रहा है, तो आपको पता ही होगा। सो बात करें बाइक के डिज़ाइन की, तो आपको डिज़ाइन वाइज बहुत ज़्यादा मस्कुलर, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नज़र आएगा, जो कि बाइक है भी। सबसे पहले मैं ले आता हूँ उसको राइडिंग क्वालिटी के बारे में। राइडिंग क्वालिटी में बहुत आउटस्टैंडिंग बाइक है, मतलब इसकी पिक वाइज, ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी वाइज बहुत आउटस्टैंडिंग है। और जो रीज़न है इसकी राइड को अच्छे बनाने में, जो कि मैं हमेशा से प्रमोट करता आया हूँ, लेकिन आप लोग इतना ध्यान नहीं देते उस बात के ऊपर, वो है इस बाइक की इंजन टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा इंजन टेक्नोलॉजी पे इसलिए फोर्स करता हूँ, क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी राइडिंग क्वालिटी कैसी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को जो है वो ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन यही मेन चीज़ होगी जो आपकी डिसाइड करती है कि आपकी राइडिंग क्वालिटी कैसी होगी। तो इसमें OHC टेक्नोलॉजी का इंजन है, जो कि ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, जो वाइब्रेशंस नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन आपको राइडिंग प्लेजर जो है वो बहुत कमाल देता है। मेरे पास जितनी भी तीन बाइक्स हैं, चाहे वो प्राइडर हो, चाहे वो CD70 ड्रीम हो, चाहे वो YBR हो, तीनों में सेम टेक्नोलॉजी का इंजन यूज हुआ है, वो है OHC टेक्नोलॉजी का इंजन, जो आपकी राइडिंग प्लेजर क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है। कुछ फीचर्स की बात करी जाए, तो जो हर नॉर्मल बाइक में मॉडर्न फीचर जो हमारे यहाँ पे काउंट होते हैं, वैसे इतने मॉडर्न भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से बहुत मॉडर्न है, जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिल जाएगी, आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, जो मुझे तो लगता है कितनी आउटडेटेड चीज़ें, और हम इसको ऐसे हाईलाइट करके बता रहे होते हैं जैसे दुनिया में कहीं ना और हमारे पास हो है। सो इसकी फ्रंट टायर की प्रोफाइल की बात करें, चूंकि मैंने कहा कि स्टार्ट में आपको कहा कि ऑफ रोडर बाइक है, तो इसमें आपको ये फ्रंट ट्रैकर के ऑफ रोडिंग टायर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपने जिधर मर्जी इस बाइक को यूज़ करना, जो कि मैंने किया भी हुआ, तो आप ये बाइक आपको कहीं आपका साथ छोड़ने नहीं वाली। फ्रंट इसका अगर सबसे मैं बात बता दूं, तो YBR की 2015 में यामाहा ने अपना कमबैक किया था। हम यामाहा को तो बहुत ज़्यादा हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका पहले 2-स्ट्रोक आते थे यामाहा को, जिसको हम कहते हैं टिपिकली दूध वाला यामाहा। सो उसके बाद जब यामाहा पाकिस्तान से चला 2015 में, इन्होंने अपना कमबैक किया, तो उसमें इन्होंने अपना सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था मॉडल YBR और YBR125G था। जो 2015 और 16 से लेकर ये बाइक जो है, थोड़ी सी बाइक की इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, तो 2015 में जब यामाहा ने पाकिस्तान में अपना कमबैक किया था, तो इस बाइक की जब इन्होंने अपने दो मॉडल्स लॉन्च किए थे, एक YBR और एक यामाहा YBR125G, 2015 से लेके 16 तक ये बाइक टोटली इंपोर्टेड आपको मिलता है। मतलब कि उस हिसाब से अगर इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी देखी जाए, तो वो टोटली 100% इंपोर्टेड के ऊपर, मतलब बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी थी। 17 से लेके ऑनवर्ड्स 2023 तक इस बाइक, ये टोटली लोकली असेंबल्ड बाइक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस बाइक की जो थोड़ी सी जो बिल्ड क्वालिटी है, वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। 2017 में यामाहा ने अपना एक और मॉडल लॉन्च किया था, YBZ DX, जो फैमिली बाइक था। ये थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का बाइक है, मतलब कि इस पर बहुत मुश्किल है कि तीन लोग राइड करें, मोस्टली ये बना ही दो लोगों के लिए। हमारे अंदर बहुत ज्यादा शौक होता है कि दो बाइक, मतलब कोई नॉर्मल बाइक भी हो तो उसमें भी हम 10 लोग बिठाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये बाइक ऐसा नहीं है। यामाहा ने बड़ा सोच समझ के डिजाइन किया कि पाकिस्तानी आवाम है, तो ये दो के ऊपर भी 10 बिठा लेगी, लेकिन ये बाइक उनके लिए नहीं बना हुआ। ये बाइक दो के ऊपर दो ही अच्छे तरीके से जज करेगी, तीसरे के लिए बहुत मुश्किल है जगह हो, तो ये बाइक बनी ही दो पिलियंस राइडर के लिए। इन बाइक्स के ऊपर क्रिटिसाइज होता है कि प्लास्टिक बॉडी या गिरेगी, टूट जाएगी, इस तरह की। और मैंने हमेशा से कहा है कि कंपनी भी जब बनाती है ना ये बाइक, तो उनको भी पता होता है कि प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन वो प्लास्टिक बॉडी थी, प्लास्टिक उनको भी पता होता है जब वो बाइक बना रहे हैं ना, तो प्लास्टिक बॉडी है, तो अगर गिरेगी तो टूट जाएगी, तो कंपनी भी सोच समझ के बनाती है उस प्लास्टिक को भी। मतलब ये होता है कि वो खिलौने वाली गाड़ियों वाला प्लास्टिक नहीं यूज करेगा, हल्की सी गिरेगी तो टूट जाएगी, मतलब काफी बेहतर फाइबर क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, जो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। और उसका सबूत ये बाइक बिल्कुल हमारे सामने है कि गाइस, 5 साल में तकरीबन 8 से 9 दफा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट इस बाइक का हो चुका हुआ है, और आपके सामने है कि टोटली अपनी जेन्युइन कंडीशन में, इवन तो इसके साइड स्कूप्स जो लोगों को बहुत ज्यादा मिस क्रिएट हुई थी कि प्लास्टिक के साइड स्कूप्स हैं, प्लास्टिक का फ्रंट मडगार्ड है, तो वो भी ये हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके सामने टोटली जेन्युइन कंडीशन में ये बाइक है, और ना आज तक इसका कोई साइड स्कूप वगैरह नहीं टूटा हुआ। एक साइड स्कूप इसका ये लास्ट एक्सीडेंट में मेरे भाई का ही हुआ था, तो इसका हल्का सा क्रैक आ गया था, वो भी 7वें 8वें एक्सीडेंट पे, ये नहीं कि पहले दूसरे में 7वें 8वें भी आया था, लेकिन काफी मजबूत इसका साइड स्कूप है, वो भी बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था हाई स्पीड के ऊपर, तब जाके हुआ था। बेसिक फीचर्स का बता दिए, अब मैं बात करता हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। राइड क्वालिटी वाइज, अब काफी ज्यादा लोग इस बाइक को CG125 से, जब मैंने ये बाइक खरीदा था
तो मैंने कहा तकरीबन 31st of October 2018 को ही बाइक हमने परचेज किया था, और उस वक्त जो मुझे अच्छी तरह याद है बाइक की जो इनवॉइस प्राइस थी वो 1,38,500 थी। चूंकि ये नाइट्रो मॉडल है, ये लिमिटेड एडिशन मॉडल यामाहा ने निकाले थे, ये नाइट्रो है कि मतलब ग्रे कलर जो YBR जी में आया था, पहले YBR जी में ग्रे कलर आपको नहीं मिलता था, तो ये लिमिटेड एडिशन के नाम से लॉन्च किया था, दैट्स व्हाई हमने ये कलर चूज किया था। तो उस टाइम में 1,38,000 का था, और जब ये बाइक लॉन्च हुआ था मुझे याद है ये तकरीबन कोई 1,10,000 का या 1,15,000 का लॉन्च हुआ था, खैर उस टाइम पे डॉलर भी कहीं और था। इस वक्त जिस बाइक की करंट इनवॉइस प्राइस चल रही है जो रिसेंटली यामाहा ने अपडेट किया वो 3,94,500 की, मतलब तकरीबन 4,00,000 रुपए का ये बाइक आपको पड़ जाएगा। सो पाकिस्तान में कहां बाइक की प्राइस जा रही है मेरी तो समझ के बाहर है क्या बनेगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक राइट, अच्छा बात करते हैं बाइक के बॉडी स्ट्रक्चर प्राइस की। तो अगर आप YBG के साथ इसको कंपेयर करें, YBR के साथ कंपेयर करें, तो थोड़े से मतलब फीचर्स का फर्क मतलब ऐसे होगा कि बॉडी साइज वाइज ये बाइक दोनों से बड़ी है, इवन तो ये YBR से भी बड़ी है। अगर आप YBR के साथ इसको पार्क करके देखेंगे तो आपको बकायदा फर्क नजर आएगा कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है YBR से ज्यादा बड़ा है। YBR जो बनी है वो सिटी राइडिंग के लिए बनी है, ये बाइक जो है ये सिटी राइडिंग के लिए भी है या ऑफ रोडिंग के लिए भी है। इसमें जो बेसिक कुछ फर्क है कि YBR का जो पूरा फ्रंट हुड है वो आपको चेंज नजर आएगा, YBR का जो पूरा फ्रंट हुड है वो आपको चेंज नजर आएगा। जैसे मैंने आपको प्राइडर के रिव्यू में कहा था कहीं ना कहीं YBR की उसी तरह की लाइट है, जबकि जो इस बाइक की लाइट है वो टिपिकली स्टीरियो एक ओल्ड टाइप की, जैसे ऑफ रोडर की एक लुक होती है, वैसे इस बाइक की जो लेगेसी उसको मेंटेन किया गया कि पूरा एक ऑफ रोडर टाइप की जो कैफे रेसर टाइप की बाइक होती है, कहीं ना कहीं इसकी लुक को उसी के साथ रिजेंबल किया गया है। बात करते हैं इस बाइक के डिस्क ब्रेक्स की। गाइज मैंने GS150 भी चलाया है, मैंने GR150 भी राइड किया है, मैंने CT150F भी राइड किया, और मैंने ये भी राइड किया। सबसे ज्यादा जो ब्रेक्स मुझे एफिशिएंट लगी है वो यामाहा YBR की लगी है, चाहे YBR और YBR जियो से नहीं है। सो मुझे जो ब्रेक जो रोड ग्रिप वाइज और इंस्टेंटली जो रुकती है ना बाइक, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ब्रेक जो मुझे लगी है वो मुझे यामाहा YBR की ही लगी है, मतलब जी की, YBR और YBR जो सेम ही है। सो मुझे नहीं पता कि मैं ये नहीं कि मैं बाइक ओन कर रहा हूँ, मुझे यामाहा ने पैसे दिए इस वजह से मैं तारीफ कर रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और जो कहीं ना कहीं YBR या YBR जी को ओन कर रहे हैं वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे, जो इस बाइक का जो चंक होता है जो एकदम से ब्रेक को पकड़ने का और रोकने का, वो इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कंपेरेटिवली 2-3 बाइक्स। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। अब बात आ जाती है सेल्फ स्टार्ट की। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ मेरे खास GSX 125 में, अब जो इसके कंपेटिटर मॉडल्स हैं CG 125 के साथ कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो बाइक मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पता नहीं कि लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है, मुझे समझ में नहीं आती। ये जो GSX 125 के साथ ये बाइक इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं, और ये बाइक कम्पीट कर रहे हैं CB 125F के साथ। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ये GSX और CB 125F के दरमियान ये फॉल होता है, मतलब CB से ये महंगा है और GSX से ये सस्ता है। तो GSX का भी मैंने एक्सपीरियंस अभी तक मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने उसके शोरूम पे मैंने फिजिकली भी देखा है, तो ओवरऑल बॉडी साइज वाइज थोड़ा सा वो कहीं से ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज्यादा दोनों में। तो इंशाल्लाह उसका भी मैं रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जिस प्राइस ब्रैकेट में अब ये बाइक पहुंच गया है इस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि दैट दिस बाइक इज वैल्यू फॉर मनी, मतलब 3,94,000 में मैं कोई भी नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ये मैं बाइक लूं। अच्छा बात यहाँ पर आ जाती है इस बाइक की रोड ग्रिप की। तो गाइस पता नहीं क्यों मुझे इस बाइक की रोड ग्रिप इतनी कोई खास अच्छी नहीं लगी, मुझे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने इस बाइक के बाकी उन्होंने रिव्यू देखे थे तो उसमें काफी ज्यादा लोगों ने कहा था कि इस बाइक की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। इट माइट बी अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नहीं, मुझे लगता है बाइक फ्लिप हो जाएगी जब इसको शार्प टर्न्स मैंने जब इस बाइक की करने की कोशिश की है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात फील हुई है कि ये बाइक निकल जाएगी, एक बाइक फ्लिप हो जाएगी। डोंट नो कि क्यों है ऐसा, लेकिन मुझे इतनी रोड ग्रिप पाई थी बाइक मुझे सेटिस्फाई नहीं लगी। मुझे लगता है कि जितना इसका बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से इसकी जो टायर प्रोफाइल थी वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी, मतलब इसमें अगर 90x90 100 का टायर 18 का टायर आ रहा है तो उसमें 100x118 का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डाल लें, क्योंकि जितना इसका स्ट्रक्चर है ना, जितना इसका बॉडी वेट है उस हिसाब से जो इसके टायर है ना वो पतले हैं, थोड़े से इतने चौड़े नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसको मैनूवर करते हुए। मैंने आपको मैंने इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का मैंने आपको बता दिया, राइड क्वालिटी मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी हुई है, और फीचर्स का भी बता दिया मैं, जितने भी बेसिक फीचर जो आजकल हर नई बाइक में आ रहे हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्यूल एवरेज की। सो गाइस चूंकि OHC टेक्नोलॉजी इस बाइक की फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि सिटी राइडिंग में बहुत प्यार से अगर मैं चलाऊँ ना, मैं कोई एग्जेजरेट करके नहीं बताऊँ, जस्ट बिकॉज मेरी बाइक है मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बताऊँ, जो इसने नॉर्मल मुझे एवरेज दिया वो बहुत अच्छी भी दिया, तो 46 से 47 ना, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाती, और अगर आप इसको बहुत खेच के चलाएंगे तो ये आपको ये आ जाएगी 42 से 43 के दरमियान में, विच इज नॉट दैट बैड, लेकिन एटलीस्ट आपको राइड क्वालिटी का बहुत ज्यादा ये मजा देने वाली बहुत मजा देती है, मतलब कि दूसरा है जो इसके गेयर्स हैं वो नॉन कन्वेंशनल हैं, जो बाकी आपको नॉर्मल बाइक्स मिलेंगे तो कंपेटिटर मॉडल्स मिलेंगे उसमें आपको जो फ्रंट शिफ्ट है इसमें रिवर्स शिफ्ट है, मेरे ख्याल से GSX 125 में भी रिवर्स शिफ्ट गेयर्स आ गए हैं, तो इसमें रिवर्स शिफ्ट है, तो इस वजह से इस बाइक को चलाने का मजा आता है, आपको कहीं नहीं होना है एक हैवी बाइक टाइप की फीलिंग आती है, क्योंकि बाइक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी वैसा ही है। 18 इंच के इसमें आपको फ्रंट और बैक पे अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और जिसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और
5 साल में ये मेरा एक एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ रहा है, मतलब कि और बात करते हैं पिक वाइज। अच्छा गाइस, लोग ना इसको पिक में ना CG125 से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं कि CG125 इसे जीत जाता है और ये हार जाती है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, मैं आज आपको वो जो एक मिथ है ना CG125 के पीछे भागने की, वो भी मैं काफी ज्यादा लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आप लोग सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन वो लेकिन इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि अगर वो बाइक वैसा परफॉर्मेंस दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है। अगर बॉडी वर्क की बात करें ना, तो ये बाइक में शायद डबल उसे बॉडी वर्क हुआ है। CG125 के ऊपर बॉडी वर्क बिल्कुल भी नहीं है। जितना उसका पावरफुल इंजन है ना CG125 का, उस हिसाब से उस बाइक के ऊपर बॉडी वर्क जीरो है मेरी नजर में, तो जिस वजह से वो बाइक ज्यादा निकल जाता है। एक ये OHC टेक्नोलॉजी है, OHC टेक्नोलॉजी मेन फोकस करती है आपकी राइड कंफर्ट के ऊपर एज कम्पेयर टू बाइक की पिक के ऊपर। तो एक ये जो है एक ये पॉइंट है इस बाइक का। दूसरा जो पॉइंट है इस बाइक का वो ये है कि इस बाइक का बॉडी वेट, CG125 से मेरे ख्याल से ये 17 to 18 kg ये बाइक उससे ज्यादा है। CG125 से 17 to 18 kg उससे ज्यादा है, भारी है, बिकॉज इसमें जो बॉडी वर्क है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि CG125 और इसका कंपैरिजन बनता है। प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, वो बाइक तो CG125 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। वो बहुत ही पुराने जमाने का बाइक है। जो लोग आज भी CG125 को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए मैं बात करूंगा कि अगर आप और आपका CG125 कभी अमेरिका विजिट करें ना, तो आपको और आपकी बाइक को उठा के म्यूजियम में रखेंगे और वो बात सच हो जाएगी कि टाइम मशीन जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें वो कहेंगे कि बहुत ही 1970s के जमाने के ये लोग हैं और वहां से ये इस तरह का मॉडल का बाइक आ सकता है, वरना तो जितना मॉडर्न दौर हो चुका है इस तरह का तो बाइक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो वो जो लोग CG125 लवर है ना, वो एक बार इस बाइक को लेके अमेरिका जरूर जाएं, तो आपको और आपके बाइक को उठा के म्यूजियम में जरूर रखेंगे कि जितनी आउटडेटेड मतलब हमारे यहाँ आवाम की सोच है, जितनी पुरानी जमाने की सोच है, जितनी पुराने मॉडल्स को यहाँ पे पसंद किया जाता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों है ऐसा। टेल की मैं बात नहीं करूंगा, मतलब मैं आपको वो साइड से और टेल से नहीं ये बाइक दिखाने वाला, क्योंकि सबको पता है बाइक किस तरह की दिखती है। एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें यहाँ पे आपको ये बूट मिल जाएंगे, जो इसकी जो शॉक ट्रैवलिंग है वो भी आपको YBR से ज़्यादा मिलेगी, और जो इसके जो ये जो जर्क मतलब जो झटका आता है ये भी इतना ऊपर नहीं आता, क्योंकि इसकी जो शॉक की जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू YBR। तो ये जो शॉक का जो इम्पैक्ट है, ये जो जर्क का जो इम्पैक्ट होता है, मतलब किसी खड्डे में अगर बाइक जाती है तो इम्पैक्ट ऊपर तक नहीं आता, ये किसी में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ आपको ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस ये था इस बाइक का ओनर रिव्यू। अगर आपको ओनर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप YBR खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप यामाहा YBR के बारे में कुछ और क्यूरी है या कुछ और आप जानना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। सो दिस इज अवर, तो गाइस ये था इस बाइक का ओनर रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों से शेयर करें जो इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इसको खरीदने के बारे में। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट रिव्यू में, अपने और अपने गिरजनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।